अस्सलामुअलैकुम, किसान मददगार हफ्तावार न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदीद। हेडलाइंस, निगरान हुकूमत की जानिब से सिंध में कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए 52,000 एकड़ जमीन देने की मंजूरी दे दी गई। गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए कायम खसूसी सहूलत कौंसिल की सरपरस्ती में दी जा रही है। ज़रई तरक्की के लिए फौज के पास आला तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत है। देनदार अजनास लगाए, भरपूर मुनाफा कमाए। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूरजमुखी की काश के लिए खाद का इस्तेमाल बताया गया है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूरजमुखी का हाइब्रिड और सर्टिफाइड बीज आप किसान दुकान से भी खरीद सकते हैं, तो अभी ऑर्डर करें। चीन पाकिस्तान को कपास, कनोला और गंदम की फसलों के लिए बेहतरीन मियार के बीमारियों से बचने वाले और ज्यादा पैदावार वाले हाइब्रिड बीजों में मदद फराहम करेगा। इसका मकसद बम्पर फसल की पैदावार हासिल करना है, जबकि टेक्सटाइल की सनत की मुसलसल बढ़ती हुई जरूरियात को भी पूरा करना है, ताकि अशद जरूरी ज़र मुबादला कमाया जा सके। जनूबी कोरिया और पाकिस्तान ज़रई टेक्नोलॉजी के शोबे में तआवुन करने के लिए पुरअज़म है। ये मुश्तरका कोशिश कोरिया प्रोग्राम इंटरनेशनल एग्रीकल्चर और पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की जानिब से की गई। वफाकी सेक्रेटरी वजारत आबी वसाइल सैयद अली मुर्तजा ने पाकिस्तान वाटर वैक 2023 से मुखातिब होते हुए कहा कि वाटर गवर्नेंस एक अहम मसला है और पाकिस्तान में पानी के इंतजाम और ज़राअत के तरीकों को तब्दील करने की जरूरत है। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूरजमुखी की काश के लिए वक्त काश, मौजू इलाके और शराबीज के हवाले से आगाही फराहम की गई है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप भी किसान दुकान से सूरजमुखी का हाइब्रिड बीज ऑर्डर कर सकते हैं। किसान दुकान लाया सूरजमुखी का हाइब्रिड बीज। इस बीज की पैदावारी सलाहियत 60 मन फी एकड़ है और मुख्तलिफ मौसमी हालात में बेहतरीन पैदावार फराहम करता है, तो अभी किसान मददगार से राबता करें और सूरजमुखी का हाइब्रिड बीज बुक करें। ऑर्डर बुक करने के लिए अभी किसान मददगार हेल्पलाइन या व्हाट्सएप नंबर पर राबता करें। इफेक्ट, किसान दुकान लाया चौड़े पत्तों को जड़ से खत्म करने वाला स्प्रे, जिसका असर स्प्रे के बाद 30 मिनट के अंदर बारिश के होने के बाद भी कायम रहता है। तो अभी किसान दुकान से ऑर्डर करें और जड़ी बूटियों से फौरी निजात हासिल करें। ऑर्डर बुक करने के लिए अभी किसान मददगार हेल्पलाइन या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अगर आपके पास जरई लाइसेंस है और आप किसान दुकान खोलना चाहते हैं या आसान इकसात पर जरई कर्जे हासिल करना चाहते हैं, तो अभी किसान मददगार की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। किसान मददगार मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद सुबह मालूमात दर्ज करें, ताकि हमारी टीम आपसे राबता कर सके। मौसम, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि बलाई इलाकों में सर्द अबर आलूद रहने का इम्कान है। ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलाई सिंध, पंजाब के मैदानी इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में सुबह और रात के औकात में स्मोग और धुंध पड़ने का इम्कान है। पाकिस्तान के दीगर शहरों में अगले हफ्ते के मुमकिन दर्जा हरारत के रहने के इम्कान है। मंडी के नर्ख, गुज़िश्ता हफ्ते मंडी के नर्ख ये रहे। इलाकाई मालूमात, डेरा इस्माइल खान। गन्ने की फसल की कटाई शुरू है और क्रशिंग सीजन शुरू हो चुका है। मिल 450 रुपए मन के हिसाब से गन्ना खरीद रही है। गन्ने की सितंबर काश जाड़ बनाने के अमल में है। गंदम की फसल जाड़ बनाने के अमल में है। मुल्तान,
गन्ने की फसल की कटाई शुरू है और क्रशिंग सीजन शुरू हो चुका है। गंदम की काश मुकम्मल हो चुकी है और अक्सर जगह पर गंदम की फसल को पहला पानी लगाया जा रहा है। कहीं कहीं गंदम और गन्ने की इंटरक्रॉपिंग भी की गई है। मियांवाली अक्सर इलाकों में गंदम को पहला पानी लगाया जा रहा है। खादों में ज्यादातर यूरिया शामिल है। कनोला की फसल बढ़ोतरी के मराहिल में है। खैरपुर में गंदम की फसल को कहीं कहीं दूसरा पानी भी लग चुका है। खैरपुर और उसके मुजफ्फात में लहसुन मंडियों में बेचा जा रहा है। इसी के साथ खबरों का अख्तिताम होता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।